हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आजकल हम क्लास 11 फिजिक्स का फोर्थ चैप्टर कर रहे हैं और पिछली क्लास में हमने सदिशों के बारे में पढ़ा था। आज हम टॉपिक को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं और हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सदिशों का योग, जिसे इंग्लिश में एडिशन ऑफ वेक्टर्स कहा जाता है। सदिशों का जो योग होता है वह अदिशों के समान नहीं होता। जैसे हम अदिशों में सीधे संख्याओं को जोड़ दिया जाता है, ठीक उसी प्रकार से सदिशों का योग नहीं हो पाता। इसका मुख्य कारण है कि सदिश में परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है। अर्थात यदि हम परिमाण को जोड़ते हैं तो उसका एक परिमाणों को जोड़ने के पश्चात जो हमें परिणाम आएगा, जो रिजल्ट आएगा, उसके साथ एक दिशा भी जुड़ी हुई होती है। और उस दिशा को, परिणामी दिशा को निकालने के लिए हम सदिशों को वैसे नहीं जोड़ पाते हैं जैसा कि हम अदिशों को जोड़ते हैं। तो सदिशों को जोड़ने की एक अलग विधि है जिसके बारे में हम यहां चर्चा करेंगे। साथ ही हम ये कहते हैं कि कुछ नियम बिल्कुल अदिशों को जोड़ने जैसे ही हैं सदिश में। जैसे हमने वहां पर नियम पढ़ा था कि समान भौतिक राशियों को ही आपस में जोड़ा जाता है, ठीक वही नियम सदिशों के योग में सदिशों को जोड़ने में भी अप्लाई होता है। अर्थात यदि एक से अधिक सदिश है हमारे पास तो किन्हीं दो सदिशों को तब ही जोड़ा जा सकता है यदि वह समान भौतिक राशि वाले हों। ऐसा संभव नहीं है कि हम विस्थापन सदिश के साथ में किसी वेग सदिश को जोड़ दें अथवा वेग सदिश के साथ में हम किसी बलाघूर्ण के सदिश को जोड़ दें, तो इस प्रकार से सदिशों का योग संभव नहीं है। तो सदिशों के योग की जो पहली कंडीशन, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, वो यह है कि हम जिन सदिशों को जोड़ करके परिणामी सदिश निकाल रहे हैं वह दोनों सदिश एक ही भौतिक राशि को प्रदर्शित करने चाहिए। तो अब हम सदिशों को जोड़ने की प्रक्रिया समझते हैं। जो सदिशों का योग होता है उसकी मुख्य रूप से तीन विधियां होती हैं सदिशों को जोड़ने की। जो पहली विधि होती है जिसे हम कहते हैं त्रिभुज विधि, पहली विधि जिसे कहते हैं सदिशों के योग की त्रिभुज विधि। सदिशों के योग की त्रिभुज विधि का अर्थ यह है, इसका जो हम कह सकते हैं स्टेटमेंट होता है, वो कथन होता है, वो इस प्रकार से होता है कि यदि कोई दो सदिश किसी त्रिभुज की दो क्रमागत भुजाओं को प्रदर्शित करें, तो हमने एक सदिश इस प्रकार से ले लिया। मान लेते हैं मेरे पास दो सदिश हैं, एक सदिश ऐसे है और एक सदिश इस प्रकार से है। यह मेरे पास दो सदिश हैं। इस सदिश को हम कह रहे हैं वेक्टर ए है और यह वाला सदिश हमारे पास वेक्टर बी है। इन दोनों को हम जोड़ना चाह रहे हैं, तो हम कहते हैं त्रिभुज विधि यह कहती है कि यदि दो सदिशों को त्रिभुज की दो क्रमागत भुजाओं से प्रदर्शित किया जाए, तो क्रमागत भुजाएं क्या कौन सी होती है कि एक के क्रम में दूसरी भुजा लगी हुई हो, उसे क्रमागत भुजा कहते हैं। तो किस प्रकार से इन्हें लगाएंगे? हमने कहा एक भुजा मैंने पहले ली, यह मैंने ले ली वेक्टर ए। अब जब दूसरे सदिश को इसके साथ जोड़ा जाएगा तो देखिए जोड़ने का तरीका यह है, दो सदिशों को योग करने का तरीका यह है कि पहले सदिश के शीर्ष के साथ दूसरे सदिश का पुच्छ जोड़ा जाता है। तो ये हमारा पहला सदिश है सदिश ए, यह दूसरा सदिश है सदिश बी। जब सदिश बी को सदिश ए के साथ जोड़ेंगे तो सदिश बी की जो टेल होगी, जो पूंछ होगी, उसको सदिश ए के शीर्ष के साथ रख देंगे, जोड़ देंगे। तो हम इसी प्रकार से जोड़ते हैं। यह हो गई। और इस सदिश का शीर्ष कहां है? ये कौन सा सदिश है हमारे पास? सदिश बी। कथन है कि यदि कोई दो सदिश त्रिभुज की दो क्रमागत भुजाओं से प्रदर्शित किए जाएं तो इनका जो परिणामी होगा वह तीसरी भुजा के द्वारा, तीसरी भुजा त्रिभुज कैसे बनेगा? त्रिभुज का मतलब जिनमें तीन भुजाएं हों। दो भुजाएं तो क्या प्रदर्शित कर रही है? किन्हीं दो सदिशों को प्रदर्शित कर रही है। तो जो इसका परिणामी होगा वह तीसरी भुजा के साथ प्रदर्शित किया जाएगा, लेकिन शब्द आता है विपरीत क्रम में। विपरीत क्रम का अर्थ है कि सबसे पहले वाला जो हमारा सदिश था सदिश ए,
उस सदिश के साथ जब हम परिणामी बनाएंगे, तीसरी भुजा बनाएंगे, तो इस सदिश की पूंछ के साथ परिणामी की पूंछ को मिला देंगे, टेल के साथ टेल मिलाएंगे, तो परिणामी कैसा आएगा? हमने इस बिंदु और इस बिंदु को आपस में जोड़ना है, यानी कि पहले सदिश की पूंछ को और दूसरे सदिश के शीर्ष को आपस में जोड़ते हैं, तो हमने इस प्रकार से जोड़ दिया। अब हमने कहा किस क्रम में? विपरीत क्रम। विपरीत क्रम का अर्थ है कि पहला सदिश हमारा यह था, इसकी शीर्ष यह थी, पूंछ यह थी, दूसरे सदिश को जोड़ा तो इसकी पूंछ जो दूसरे सदिश की थी वह पहले सदिश के शीर्ष के साथ मिला दी। अब इसमें जो परिणामी जोड़ेंगे, उस परिणामी का शीर्ष और दूसरे, हम कह सकते हैं, सदिश का शीर्ष एक ही स्थान पर मिलेंगे, तो इस स्थान पर हम क्या करेंगे, इस परिणामी का शीर्ष बना देंगे। तो यह जो हमारा कहलाता है, यह होता है परिणामी, जिसे R से प्रदर्शित करते हैं, R यानी कि जिसे रिजल्टेंट कहते हैं इंग्लिश में, और R बराबर होता है वेक्टर A प्लस वेक्टर B। इस प्रकार से हम परिणामी को प्रदर्शित कर सकते हैं। और परिणामी की किसी सदिश की यह जो विधि है हमारी, यह ग्राफीय विधि कहलाती है। सदिशों के योग की हम कौन सी विधि का प्रयोग कर रहे हैं फिलहाल? ग्राफीय विधि। और यह जो हमारा सदिश होता है, परिणामी जो सदिश होता है, जो R है, वह भी अपने आप में एक सदिश है। और उसकी दिशा क्या है, तो हम इस कोण से समझ सकते हैं, उसकी दिशा पहले वाले सदिश के साथ थीटा कोण बनाते हुए है। और ग्राफीय रिप्रेजेंटेशन में जो परिणामी होता है, उसे पहचान करने का तरीका यह है कि जहां पर हम ये कहें दो टेल्स आपस में मिल रही हो, दो पूंछें आपस में मिल रही हो, जो कि यहां पर मिल रही थी, और जहां पर जो दो शीर्ष आपस में मिल रहे हो, जो कि यहां पर मिल रहे थे, तो एक ऐसा सदिश जिसकी टेल किसी सदिश की टेल के साथ और जिसका शीर्ष किसी दूसरे सदिश के शीर्ष के साथ आपको मिलता हुआ दिखाई दे, आप समझ जाना यह क्या होगा, परिणामी सदिश होगा। तो सदिशों के योग की हम त्रिभुज विधि का चाहें तो स्टेटमेंट लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि यदि कोई दो सदिश त्रिभुज की दो क्रमागत भुजाओं द्वारा प्रदर्शित किए जाएं, तो उनका परिणामी त्रिभुज की तीसरी भुजा द्वारा विपरीत क्रम में प्रदर्शित किया जाता है। विपरीत क्रम, आप समझ गए कि यदि इसके साथ भी परिणामी की हम टेल लगाते तब ये सही क्रम होता, ये विपरीत क्रम इस प्रकार से। तो मुझे लगता है आपको त्रिभुज विधि समझ में आ गई होगी। अब हम समझते हैं सदिशों के योग की एक दूसरी विधि, जिसे कहते हैं समांतर चतुर्भुज विधि, दूसरी विधि है, जिसे कहते हैं समांतर चतुर्भुज विधि। समांतर चतुर्भुज विधि का कथन है कि यदि दो सदिश समांतर चतुर्भुज की दो आसन्न भुजाओं द्वारा प्रदर्शित किए जाएं तो उनका परिणामी उनके बीच से
बीच से निकलने वाले विकर्ण द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो इस प्रकार से हम समांतर चतुर्भुज विधि को कथन के द्वारा समझते हैं। क्या कहते हैं, यदि दो सदिश समांतर चतुर्भुज की दो आसन्न भुजाओं द्वारा प्रदर्शित हों। पहले आप समझिए समांतर चतुर्भुज होता क्या है। समांतर चतुर्भुज का अर्थ है जिसमें आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं। इस प्रकार से ये एक समांतर चतुर्भुज है, यह वाली भुजा इस भुजा के समांतर और यह वाली भुजा इस भुजा के समांतर है। अब ये कहते हैं कि यदि दो सदिश समांतर चतुर्भुज की दो आसन्न भुजाओं द्वारा प्रदर्शित हों, तो हमने कहा एक, हम कहते हैं इस प्रकार से एक सदिश ये है, जैसे हमने यहां लिया था, मान लेते हैं यही दो सदिश हैं हमारे पास, और इसमें से इस सदिश को हमने सदिश ए इससे निरूपित कर दिया, और जो दूसरा सदिश बी है इस सदिश को आसन्न भुजा का अर्थ है कि जहां पर इन दोनों सदिशों की पूंछें आपस में मिल जाएं, यानी कि सदिश ए की पूंछ के साथ यदि सदिश बी की पूंछ को मैं मिला दूं, तब यह समांतर चतुर्भुज की दो आसन्न भुजाएं, यानी कि जो एडजॉइंट होंगी, जो आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई होंगी, इस स्थान पर यह जुड़ी हुई है। तो मैंने कहा यह सदिश हमारे पास ए है, इसमें यदि इस बी सदिश को मैं जोड़ूं तो यह इस प्रकार से आएगा, यह सदिश किसको निरूपित करेगा, सदिश बी को निरूपित करेगा। और जिस बिंदु पर यह दोनों मिल रहे हैं हम कहते हैं यही इनके क्या कहलाती है, दो आसन्न भुजाएं, यानी कि एक ही स्थान से दोनों के दोनों सदिश निकल रहे हैं। तो क्या कहते हैं, जो इनका परिणामी होगा, इन दोनों सदिशों का जो परिणामी होगा वह उनके बीच से निकलने वाले विकर्ण द्वारा प्रदर्शित किया जाएगा। तो कैसे करेंगे इसे, हमने कहा सबसे पहले इस बिंदु इस बी सदिश के शीर्ष से इस ए सदिश के समांतर एक भुजा खींच लो। तो हमने इस प्रकार से एक भुजा खींच ली। अब ठीक इसी प्रकार ए सदिश के शीर्ष से इस बी सदिश के समांतर एक भुजा खींच ली, तो यह भुजा हमने इस प्रकार से खींच ली। तो अब यह देखिए, तो यह एक समांतर चतुर्भुज बन गया, यह वाली भुजा इसके समांतर और यह वाली भुजा इसके समांतर। तो आप यह भी कह सकते हैं कि इस बी सदिश के समांतर जो सदिश है वो ये भी है, यह वाला सदिश भी क्या होगा, समांतर ही होगा। यदि ये भी है तो यह वाला सदिश भी क्या होगा, बी होगा, और यह सदिश ए है तो यह वाला सदिश भी क्या होगा, ए ही होगा ना, सदिश ए ही होगा। तो अब ए सदिश ऐसे है, बी सदिश ऐसे है, इनका परिणामी कैसे निकलेगा, हमने कहा था इन दो सदिशों के बीच से निकलने वाले विकर्ण के बराबर होगा। तो हम इस प्रकार से इनके बीच से एक विकर्ण की रचना कर देते हैं ये, और यह जो हमारे पास सदिश बनेगा, यह वाला सदिश, यह हमारा परिणामी सदिश आर के बराबर होगा, और यह जो आर होगा यह किस प्रकार से होगा, आर बराबर होगा सदिश ए प्लस सदिश बी। जबकि इस सदिश आर की जो दिशा होगी यह सदिश ए के साथ हम कहेंगे थीटा डिग्री का कोण बनाते हुए निकल रहा है। तो आप देखिए भले ही इनके कथन अलग अलग हों, दो सदिशों को जोड़ने का तरीका अलग अलग हो, लेकिन हम कहते हैं अल्टीमेटली अंत में बिल्कुल जैसे इस सदिश का परिणाम आया था वैसे ठीक इसी प्रकार इस सदिश का परिणाम आया। इसमें हमने सदिशों को सीधे जोड़ दिया था, पहले पहला सदिश रखा, उसके शीर्ष के साथ दूसरे सदिश बी का हमने पूछ टेल को जोड़ दिया, तो परिणाम ये निकाल दिया। इसमें आप देखें पहला सदिश हमने ए बनाया और उसकी टेल के साथ हमने सदिश बी की पूंछ जोड़ दी। अब हम कहते हैं इस ए सदिश के शीर्ष से बी सदिश के समांतर एक सदिश की रचना कर दी। ठीक इसी प्रकार बी सदिश के शीर्ष से ए सदिश के समांतर एक सदिश की रचना कर दी। और अब यदि परिणामी निकाला जाए तो परिणामी वही आ जाएगा विक्टर ए प्लस विक्टर बी। तो सदिशों को जोड़ने की जब इस विधि का उपयोग किया जाता है तो इस विधि को हम नाम देते हैं समांतर चतुर्भुज विधि। तो अभी तक तो हमने यह जो दोनों के दोनों विधियां थी, इस विधि में मुख्य खास बात यह थी कि इसमें केवल हम दो सदिशों का ही परिणामी सदिश निकालते थे, यानी कि दो सदिशों को जोड़ते थे और उनका एक परिणामी निकल के आ जाता था। पर हम कहें कि यदि कोई ऐसी स्थिति आए कि जहां पर एक से अधिक सदिशों को आपको जोड़ना पड़ जाए, तब वहां पर परिणामी कैसे निकाला जाएगा, क्योंकि उस स्थिति में न तो हमारा ये
त्रिभुज विधि सीधे सीधे तौर पर काम आएगी और न ही समांतर चतुर्भुज विधि सीधे सीधे तौर पर काम आएगी। तो उसके लिए क्या करेंगे? तो उसके लिए जो तरीका है वो तीसरी विधि है, उस विधि को हम नाम देते हैं बहुभुज विधि। बहुभुज विधि यानी कि सदिशों को जोड़ने की बहुभुज विधि। और इसका शब्द से ही अर्थ है बहुभुज यानी कि बहुत भुजाओं वाला। तो बहुभुज विधि क्या कहती है कि यदि हमारे पास एक से अधिक सदिशों, मान लेते हैं हमारे पास एक सदिश ऐसे है, यह सदिश ए है, दूसरा सदिश हम कहते हैं ऐसे है, यह सदिश बी है, तीसरा सदिश मान लेते हैं ऐसे है, यह सदिश सी है, चौथा सदिश हमने कहा इस प्रकार से है, यह सदिश हमने कहा डी है, और ऐसे यदि अन्य हो, इन सब सदिशों को यदि हमें जोड़ना हो तो किस प्रकार से जोड़ेंगे। अब ये हमारा बेसिक पैटर्न आ गया, सबसे आधारभूत सिद्धांत आ गया सदिशों को योग करने का। आप जिस सदिश से चाहें शुरुआत कीजिए, मान लेते हैं मैं परिणामी सदिश निकाल रहा हूं और ए से शुरुआत कर रहा हूं इन सदिशों को जोड़ने की। तो सबसे पहले सदिश ए का निर्माण कीजिए। हमने सदिश ए का निर्माण कीजिए कर दिया। देखिए यहां आपने एक बात और ध्यान रखनी है, यहां इन सदिशों की, यहां हम एक मोटे मोटे तौर पर इनको दिखा रहे हैं, लेकिन जब आप सही तरीके से इनको, इनकी रचना करेंगे तो आपको एक पैमाना लेना पड़ेगा, क्योंकि यह तो इन सदिशों की क्या है, दिशाएं हैं, इनके परिमाण भी होंगे। मान लो यह बल को प्रदर्शित करते हैं चारों के चारों सदिश, तो इनका जो परिणामी आएगा वह भी एक बल ही होगा। अब यह कह दें हम 4 न्यूटन का है, यह 3 न्यूटन का है, यह 7 न्यूटन का है, यह 8 न्यूटन का है, तो आपको इनको जो हमारे परिमाण है, इन परिमाण को पैमाने के रूप में आपको क्या करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा। तो पैमाने के रूप में कैसे बदलेंगे? हमने कहा मान लेते हैं यह वाला जो हमारा है, यह मान लेते हैं 3 न्यूटन का है, ये बल है। बी जो हमारा है यह मान लेते हैं 2 न्यूटन का है, सी हमारा 4 न्यूटन का है, और डी फिर से हमारा, हम कहते हैं 3 न्यूटन का बल है। तो अब इसको कैसे प्रदर्शित करेंगे? इसको प्रदर्शित करने का तरीका है, सबसे पहले आप पैमाना ले लेना। पैमाना, पैमाना कैसे लेंगे? माना 1 न्यूटन को हम प्रदर्शित कर रहे हैं 1 इंच से, 1 इंच पैमाने से प्रदर्शित कर रहे हैं, और साथ ही हम क्या बना रहे हैं, यहां पर दिशाएं बना रहे हैं। यह दिशा पूर्व, ये पश्चिम, ये उत्तर और ये दक्षिण। वैसे इसकी आवश्यकता नहीं है क्योंकि यहां पर तो हमें सदिशों को सीधे सीधे सामने सामने दिखा रखा है कि किस दिशा में है। तो हम सबसे पहले ए सदिश लेते हैं। ए सदिश कितने न्यूटन का है? 3 न्यूटन का है। तो सबसे पहले ए का निर्माण हमने कर लिया, यहां पर हमने एक 3 इंच की एक रेखा खींच दी, यह 3 न्यूटन है। कौन सा सदिश है? सदिश ए है। 3 न्यूटन यानी कि 3 इंच की हमने एक रेखा खींच दी। आपने 3 इंच की जब रेखा खींच देंगे, अब इसके बाद यह सदिश कौन सा है? ए। अब बी सदिश बनाना है तो यह 2 न्यूटन का है, तो 1 न्यूटन बराबर 1 इंच, तो 2 न्यूटन बराबर 2 इंच। तो अब इसके पहले ए सदिश के शीर्ष से बी सदिश की पूंछ को मिलाना है आपको। तो पूंछ को मिलाएंगे तो यानी कि कितना है, 2 न्यूटन है, तो 2 इंच की एक रेखा खींचनी है। और ये किस दिशा में? इस दिशा में, इनके बीच की दिशा है, ये वाली दिशा है, ये वाली दिशा है। तो 45 डिग्री का कोण बनाते हुए आपने इस प्रकार से एक सदिश खींच देना है, और यह हमारा कौन सा सदिश होगा? सदिश बी। आप ध्यान रखेंगे ये कितनी रेखा की लंबाई है? 2 इंच। 2 इंच किसके बराबर होगा? 2 न्यूटन के बराबर होगा। अब उसके बाद अगला देखिए, सदिश सी है हमारे पास, और यह सदिश सी की दिशा कुछ इस प्रकार से है, यह सदिश बी की दिशा है और यह सदिश सी की दिशा है। तो इस सी की दिशा को आपको बनाना है, तो आपको क्या करना है, 4 न्यूटन का अर्थ हो गया 4 इंच की एक लाइन। इस बिंदु से, इस बिंदु को यदि एक क्षैतिज बिंदु मान लें, तो इससे 45 डिग्री का, इस वाली लाइन से 45 डिग्री का कोण बनाती हुई एक रेखा ऐसे में खींच देनी है। तो आपने इस प्रकार से खींच दी, और यह कितनी होगी, क्योंकि ये हमारी 4 न्यूटन है, तो इसको इस प्रकार से 4 न्यूटन का खींच दिया। यह किसको प्रदर्शित करेगी? सदिश सी को प्रदर्शित करेगी। अब हमारा आ गया सदिश डी, और सदिश डी कितने न्यूटन का है? 3 न्यूटन का है। तो फिर से इसको जोड़ने के लिए 3 न्यूटन मतलब
3 इंच की आपने रेखा खींचनी, किस दिशा में? पश्चिम की तरफ। यह किस, ये पूर्व की तरफ था। यह वाला हमारा किस तरफ था? उत्तर पूर्व की तरफ था। यह हमारा कौन सा था? ये उत्तर पश्चिम की तरफ था। और यह वाला हमारा किसकी तरफ है? पश्चिम की तरफ है। ये इनकी दिशाएं हैं। तो हम कहते हैं अब डी को हमने करना है, तो ये पश्चिम की तरफ 3 न्यूटन, 3 इंच की आपने रेखाएं खींच लेनी ऐसे करके। और यह किस सदिश को प्रदर्शित करेगी? सदिश डी को प्रदर्शित करेगी। तो हमने चारों सदिश बना लिए, सदिश ए, सदिश बी, सदिश सी, सदिश डी। अगर 4 के अलावा 6, 7, 8, 10 सदिश भी होते तो उनको ठीक इसी प्रकार से आप जोड़ते चले जाते। पहले सदिश के शीर्ष से दूसरे सदिश की टेल, फिर दूसरे सदिश के शीर्ष से तीसरे सदिश की टेल यानी कि पूंछ को जोड़ना है, फिर तीसरे सदिश के शीर्ष से चौथे सदिश की पूंछ जोड़नी है, और इसी प्रकार अगर और सदिश होते तो उनको भी इसी प्रकार जोड़ लेते। अब इनका परिणामी कैसे निकाला जाए? हमने ये 4 बना लिए, 4 की जगह 6 होते, 10 होते तो हम इसी प्रकार रचना कर लेते। अब परिणामी निकालने के लिए तरीका यह है कि आपने क्या करना है, जो हमारा सबसे पहला वाला सदिश था उस सदिश की पूंछ से अंतिम सदिश के शीर्ष को मिलाना है। किस प्रकार से? इस प्रकार से, ऐसे। और यह जो परिणामी सदिश है, यह परिणामी सदिश कैसे लगेगा? यदि मैं यहीं पर यदि तीर का निशान लगा दूंगा तो आपको तो पता ही नहीं चलेगा यह परिणामी है। तो परिणामी जानने का तरीका क्या है कि पहले सदिश के पूंछ के साथ परिणामी सदिश की भी पूंछ ही आपने जोड़नी है, और अंतिम सदिश के शीर्ष के साथ परिणामी सदिश के शीर्ष को ही जोड़ना है। तो इस प्रकार से हम इसे जोड़ देंगे। तो अब आपको दिख जाएगा यहां शीर्ष से शीर्ष जोड़ रहा है और यहां पूंछ से पूंछ जोड़ रही है, इसलिए यह क्या होगा? परिणामी सदिश आर होगा। और आर को हम कैसे लिख सकते हैं? परिणामी सदिश आर बराबर होगा वेक्टर ए प्लस सदिश बी प्लस सदिश सी प्लस सदिश डी। परिणामी सदिश आर इस प्रकार से निरूपित किया जाएगा। तो इस प्रकार से हम सदिशों को आपस में जोड़ सकते हैं। यह सदिशों को जोड़ने की हमने 3 विधि का यहां पर चर्चा की। पहली विधि सदिशों को योग की त्रिभुज विधि, दूसरी सदिशों के योग की चतुर्भुज या समांतर चतुर्भुज विधि, और तीसरी सदिशों के योग की बहुभुज विधि। तो इस प्रकार से हम सदिशों को जोड़ सकते हैं। तो आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे के टॉपिक क्लियर करते हैं। अभी हमने सदिशों के योग की 3 विधियों का के बारे में चर्चा की, त्रिभुज विधि, समांतर चतुर्भुज विधि तथा बहुभुज विधि। अब हम चर्चा करेंगे सदिशों के योग के गुणधर्म, जिसे हम कहते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन। जब हमने सदिशों की परिभाषा दी थी तो हमने कहा था कि सदिश केवल वे भौतिक राशियां नहीं है जिनमें केवल परिमाण हो और दिशा हो। हमने कहा था वे भौतिक राशियां जो जिनमें परिमाण और दिशा तो हो ही हो, साथ में वो सदिश नियमों का पालन करे। तो अब उन्हीं नियमों की बात यहां आ रही है कि सदिश किस किस का पालन करना चाहिए। सबसे पहला आता है सदिश में क्रम विनिमय नियम। तो पहले समझते हैं क्रम विनिमय नियम क्या होता है। क्रम विनिमय नियम, और इसी नियम को इंग्लिश में कॉम्यूटेटिव लॉ भी कहा जाता है। क्रम विनिमय नियम कहता है कि हमारे पास कोई 2 सदिश हैं, मान लेते हैं एक सदिश मेरे पास इस प्रकार से है और एक सदिश मेरे पास इस प्रकार से है। यह सदिश है सदिश ए और यह वाला सदिश है सदिश बी। क्रम विनिमय नियम कहता है कि यदि सदिशों का योग करते समय उनके क्रम को परिवर्तित कर दिया जाए तो उससे जो परिणामी सदिश आता है उस पर कोई भी अंतर नहीं आता, उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। तो यही हमारा कहलाता है सदिशों का क्रम विनिमय नियम। अब समझते हैं कैसे है। मेरे पास है सदिश ए, उसी के साथ में सदिश बी। सबसे पहले मैं निकालता हूं ए प्लस बी, सबसे पहले मैं निकाल रहा हूं ए प्लस बी। तो ए प्लस बी कैसे निकालेंगे? पहले मैं सदिश ए रख रहा हूं, इस प्रकार से मैंने सदिश ए रख दिया। अब इसके बाद मैं सदिश बी रखता हूं, इसके बाद मैंने सदिश बी रख दिया। तो अब मुझे परिणामी दिखाना है तो परिणामी मैं इस प्रकार से दिखा सकता हूं, पहले सदिश के टेल से लेकर के अंतिम सदिश के शीर्ष तक सीधे हमने इस प्रकार से मिला दिया,
और यह जो निकल के आया यह हमारा हो गया परिणामी आर। और परिणामी आर किसके बराबर है? सदिश ए प्लस सदिश बी के बराबर है। तो यह किसको प्रदर्शित करता है? ए प्लस बी को। अब इसी के साथ में यदि मैं प्रदर्शित करना चाहूं बी प्लस ए को, यह सदिश ए प्लस सदिश बी है। अब यदि हम दूसरा लें सदिश बी प्लस सदिश ए, और इसको किस प्रकार से रखा जाए, इसका अर्थ है कि पहले सदिश बी आपने बनाना है, उसके बाद उसमें सदिश ए जोड़ना है। तो पहले सदिश बी का निर्माण करते हैं, तो सदिश बी हमारा ये वाला था, हमने इस प्रकार से ये सदिश बी बनाया, ये बना दिया हमने सदिश बी। अब इसमें सदिश ए जोड़ना है, तो सदिश ए क्या है? ये वाला है, तो इस प्रकार से हमने सदिश ए जोड़ दिया, ये हो गया सदिश ए। तो ये हमारा सदिश बी और ये हो गया सदिश ए। अब यदि इन दोनों का परिणामी निकाला जाए, तो हमने कहा था पहले सदिश के पूंछ से अंतिम सदिश के शीर्ष को मिलाना है, तो हम मिलाते हैं, इस प्रकार से मिला दिया हमने, और यह हमारा परिणामी सदिश हो गया सदिश आर बराबर वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए। जब हम इन दोनों को चेक करते हैं तो हम देखते हैं कि ये जो आर है यह एक दूसरे के बराबर आते हैं, तो इससे हमें पता चलता है कि यानी कि ए प्लस बी वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर होता है वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए के, और यही हमारा सदिशों का क्रम विनिमय नियम कहलाता है। अर्थात यदि दो सदिशों को योग करते समय उनको क्रम को परिवर्तित कर दिया जाए, पहले में दूसरे को जोड़ें या दूसरे में पहले को जोड़ें, जैसे यहाँ ए में बी को जोड़ा गया और दूसरे चित्र में बी में ए को जोड़ा जाए, तो इससे इनके परिणाम पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता, यह फिर भी एक दूसरे के बराबर आते हैं, तो इसको हम क्रम विनिमय नियम कहते हैं। हमारा दूसरा नियम आता है जिसे हम कहते हैं साहचर्य नियम। तो दूसरा नियम है साहचर्य नियम, और सहचर्य नियम का जो मूल हमारा सिद्धांत है वो कहता है यदि तीन वेक्टर हो, वेक्टर ए वेक्टर बी और वेक्टर सी, तो ये कहते हैं यदि हम कुछ ऐसा करें कि वेक्टर ए और वेक्टर बी का यदि परिणामी निकाल के उसको सी में जोड़ दें, या हम वेक्टर ए में वेक्टर बी तथा वेक्टर सी के परिणामी को जोड़ दें, तो इससे कुल परिणामी में कोई भी अंतर नहीं आएगा। तो इसे कैसे समझते हैं? हमने कहा हमारे पास एक सदिश है, इस प्रकार से मान लेते हैं ये है हमारे पास सदिश ए, दूसरा हमारे पास इस प्रकार से हमने दूसरा ले लिया, यह हमने कहा सदिश बी, और तीसरा हमने इस प्रकार से ले लिया, यह हमारा हो गया सदिश सी। अब इन तीनों से हम क्या करते हैं कि इस सहचर्य नियम को सिद्ध करते हैं। हमने कहा सबसे पहले a प्लस बी हम निकाल रहे हैं, तो सबसे पहले a क्या आया हमारा, a इस दिशा में है, यह सदिश a हो गया, और b को इसमें जोड़ना है, तो हमने कहा था सदिश a के शीर्ष के साथ सदिश b की पूंछ को जोड़ दिया जाए, तो हमने इस प्रकार से ये से जोड़ दिया, यह हमारा क्या आ गया सदिश b। अब हम कहें कि इसी में यदि सदिश c को जोड़ दिया जाए, तो सदिश C को जोड़ें, तो हमने ये एक सदिश C भी जोड़ दिया, यह सदिश C हो गया। अब हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं कि परिणामी निकालते हैं पहले, तो परिणामी सदिश क्या होगा? परिणामी सदिश हमारा होता है इन तीनों का जो परिणामी आएगा, पहले सदिश के पुच्छ के साथ अंतिम सदिश के शीर्ष को मिला दिया जाए, तो मैंने इस तरीके से यह मिला दिया, तो देखिए यह हमारा क्या आ गया परिणामी आर आ गया। अब सबसे पहले इस कथन पे आप गौर करें, यह कथन क्या कहता है कि a प्लस बी जो ब्रैकेट में है, इसका अर्थ है कि पहले हम a प्लस बी बनाएं और इसका परिणामी निकाल दें। a प्लस बी का परिणामी क्या होगा? यह वेक्टर a था, यह वेक्टर b था, इनका परिणामी क्या होगा कि वेक्टर a के पुच्छ से लेकर के वेक्टर b के शीर्ष को यदि आपस में मिला दिया जाए, इस रेखा के द्वारा मिला दिया जाए, तो यह किसको प्रदर्शित करेगा? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी को प्रदर्शित करेगा। तभी भी आप देखिए
वेक्टर ए प्लस बी का जो परिणाम निकल के आया, वेक्टर ए प्लस बी और ये यहां पर आया, इसके शीर्ष से हमने वेक्टर सी को जोड़ दिया है आगे, तो भी हमारा परिणाम वैसे का वैसा ही है, पहली स्थिति। दूसरी स्थिति, फिर से इस डायग्राम को हम बना रहे हैं, यह हमारा है वेक्टर ए, यह हमारा था वेक्टर बी और यह हमारा था वेक्टर सी। दूसरी स्थिति है ए में बी प्लस सी जोड़िए, तो बी हमारा यह था, सी हमारा यह था, तो इन दोनों का परिणाम क्या होगा, इन दोनों का परिणाम ऐसे आएगा, बी के पुच्छ से लेकर के सी के शीर्ष को यदि जोड़ दिया जाए तो यह हमारे परिणामी को प्रदर्शित करता है, और परिणामी क्या है, वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। अब इस परिणामी में यदि मैं इस वेक्टर ए को जोड़ूं तो अब आप इसको भूल जाइए, ये सी को भी भूल जाइए, बी को भी भूल जाइए, तो अब इनका जो परिणामी आएगा वो इसी प्रकार से आएगा। तो आप देखिए, चाहे ऐसे परिणामी निकालिए चाहे ऐसे परिणामी निकालिए, यह दोनों ये क्या होंगे, एक दूसरे के बराबर होंगे, तो यह हमारा क्या कहलाता है, सहचर्य नियम कहलाता है। तीसरा नियम आता है हमारा वितरण नियम, तीसरा नियम जो हमारा है वह है, यहीं पे लिख लेते हैं इसे, वितरण नियम, जैसे हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी कहते हैं। इसके अनुसार यदि हमारे पास कोई एक सदिश है ए प्लस बी, सदिश ए और सदिश बी का जो हमारे पास परिणामी है, ब्रैकेट में, ब्रैकेट का अर्थ है परिणामी, इसको यदि हम किसी संख्या से गुणा कर दें तो यह बराबर होगा n इंटू वेक्टर ए प्लस n इंटू वेक्टर बी के बराबर होगा, यानी कि किसी दो सदिश के परिणामी में यदि हम किसी संख्या से गुणा कर दें तो उसका परिणामी उतने ही गुना हो जाएगा। यह बराबर होगा यदि पहली संख्या में हम पहले सदिश में उतनी उसी संख्या से गुणा करें और दूसरे सदिश में भी उसी संख्या से गुणा करें और तब उनका यदि परिणाम निकालें तो यह दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के बराबर होंगे, और इसी को हम क्या कहते हैं, वितरण नियम कहते हैं। तो इस प्रकार से हम सदिशों के योग के गुणधर्मों को समझ सकते हैं। अब हम समझेंगे सदिशों का घटाना, सदिशों को घटाना, सदिशों को घटाना। सदिशों का जो घटाने की विधि है वो बिल्कुल योग विधि पर ही आधारित है, जोड़ने वाली विधि पर ही आधारित है। हम कहते हैं हमारे पास दो सदिश हैं, एक सदिश हमने का यह है और दूसरा सदिश हम कह लेते हैं इस प्रकार से ले रहे हैं, यह सदिश ऐसे है, बी ऐसे में। अब हम कहें ए प्लस बी कैसे निकालते हैं, हम निकालते हैं वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का तरीका, पहला सदिश बनाइए सदिश ए और दूसरे सदिश की पूंछ को इसके साथ जोड़ दिया जाए तो यह जो हमारा निकल के आता है, यह इसको इस प्रकार से बनाते हैं, यह जो हमारा निकल के आ रहा है यह परिणामी आर बराबर है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी को प्रदर्शित कर रहा है, जहां यह हमारा वेक्टर ए है और यह वाला हमारा क्या है, वेक्टर बी। तो यह तो योग की विधि होगी। अब घटाएंगे कैसे, हम कहें यदि मुझे वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी करना हो तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं, बराबर वेक्टर ए प्लस और ब्रैकेट में मैंने लिख लिया वेक्टर बी। जब किसी सदिश से पहले आप ऋण चिन्ह लगा देते हैं तो इसका अर्थ यह होता है कि उस सदिश का परिमाण तो उतना का उतना रहेगा लेकिन उसकी दिशा विपरीत हो जाएगी। आप इस बात पर ध्यान दीजिए कि यदि किसी सदिश से पहले आप ऋण लगा दें तो इसका अर्थ है उसका परिमाण तो उतना रहेगा लेकिन उसकी दिशा विपरीत हो जाएगी। तो अब हम वेक्टर ए प्लस माइनस बी को बनाएं तो देखिए यदि ये वेक्टर बी को प्रदर्शित करता है तो माइनस बी का अर्थ क्या हो गया, इसकी दिशा बिल्कुल उल्टी हो गई, 180 डिग्री घूम गया। यह जो सदिश होगा यह माइनस बी सदिश होगा। तो अब हम क्या कर रहे हैं, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी को हम वेक्टर ए प्लस माइनस वेक्टर बी से प्रदर्शित कर रहे हैं। तो वेक्टर ए बनाया हमने इस प्रकार से, यह क्या है वेक्टर ए, सदिश ए। अब इसमें माइनस बी वेक्टर को जोड़ना है, माइनस बी वेक्टर का है नीचे की तरफ, तो इस प्रकार से हमने यह कर लिया, ये जो आगे ऐसे जा रहा था वो इधर की ओर आ गया और ये वाला वेक्टर कौन सा है, वेक्टर
बी है। तो अब जो ये परिणामी होगा, ये परिणामी तो वही होगा पहले सदिश के पुच्छ से लेकर के अंतिम सदिश के शीर्ष तक। इस प्रकार से यदि जोड़ दें तो यह हमारा क्या निकल जाएगा, परिणामी आर, जो बराबर होगा वेक्टर ए प्लस माइनस वेक्टर बी को प्रदर्शित करेगा। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, सदिशों को घटा सकते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा, सदिशों को घटाने की तरीका वही है, बस आप सदिश की दिशा को परिवर्तित कर दीजिए। जिस सदिश को घटाना है उसकी दिशा को उल्टी कर दीजिए, 180 डिग्री घुमा दीजिए, तो वह हमारा वही सदिश माइनस में आ जाएगा। और इस प्रकार से हम जोड़ने की विधि का उपयोग करके सदिशों को घटा भी सकते हैं। तो दोस्तों, आज हमने सदिशों के गुणधर्मों को सीखा, सदिशों को जोड़ने की जो विभिन्न हमारी विधियां थी, त्रिभुज विधि, समांतर चतुर्भुज, बहुभुज विधि, इसके बारे में चर्चा करी। मुझे उम्मीद है हमने आज जो भी कुछ पढ़ा है वो आपकी समझ में जरूर आया होगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।